एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू गो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और कल की क्लास में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स किए थे। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके थ्रू हमें बहुत ईजीली समझ आ जाएगा कि वॉट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय इसैक न्यूटन। बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू वियर रोलर स्केट्स इन योर लेग्स एंड यू जस्ट नीड टू गो नियर अ वॉल एंड यू हैव टू पुश दैट वॉल। यानी कि आप रोलर स्केट्स पहनकर एक वॉल के पास जाओ और अपना फोर्स लगाओ उस वॉल पे, ऐसे कि आप समझो कि आप उस वॉल को पीछे की तरफ धकेलना चाहते हो, उस वॉल को उस पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन पे ले जाना चाहते हो। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल बट यू नीड टू ट्राई दिस फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सपोज दिस इज आवर वॉल, राइट, ये हमारी वॉल है एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर विद रोलर स्केट। सपोज दिस इज द रोलर स्केट्स, राइट, यू आर स्टैंडिंग नियर अ वॉल एंड यू आर वियरिंग रोलर स्केट्स। और फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाना है और वॉल को पुश करना है, वॉल पे अपना फोर्स लगाना है एज इफ कि आपको उसे उसकी पोजीशन से चेंज करके पीछे की साइड लेके जाना है या दूर लेके जाना है। यू नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक दिस वॉल मूव। जब आप ऐसा कर रहे होगे ना, लाइक कि आप वॉल को पुश करने के लिए, वॉल को पीछे धकेलने के लिए फोर्स लगा रहे होगे, तो आप फील करोगे कि ड्यू टू कि जो जब आप उसे पुश करोगे आप फील करोगे कि आप पीछे जा रहे हो। मतलब कि जब आप वॉल को पुश कर रहे होगे आपको ऐसा लगेगा कि जो वॉल है वो भी आपको धक्का दे रही है और आप वॉल से, लाइक सपोज यहाँ पे वॉल थी, दिस इज द वॉल, मैं पुश कर रही हूँ उसे, जब मैं धक्का दूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो वॉल है वो भी फोर्स लगा के मुझे पीछे की तरफ धकेल रही है और जिसकी वजह से मैं पीछे की साइड चली जाऊंगी। एंड यस इट इज ट्रू। आप करके देखना रोलर स्केट्स पहन के एक वॉल को पुश करने की कोशिश करना, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो वॉल है ये ऑपोजिट, जैसे कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया वॉल को मूव करने के लिए, लेकिन फिर आपको ऐसा फील होगा कि जो वॉल है वो ऑपोजिटली एक फोर्स लगा रही है, जैसे हमने ये फोर्स लगाया था, फिर हमें लगेगा कि जो वॉल है वो फोर्स अप्लाई कर रही है हमें हमारी पोजीशन से मूव करने के लिए कि तुम हटो यहाँ से, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी या हिलूंगा, दैट द वॉल इज से। तो बेसिकली हम जो है उस वॉल से दूर हो जाएंगे जब हम उसे पुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये जो प्रोसेस है ये जल्दी हो जाएगा ड्यू टू वी आर वियरिंग स्केट्स, क्योंकि जो स्केट्स होते हैं वो रोलिंग होते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो हमें और पीछे ले जाएंगे। तो इसकी वजह से ही जब आप रोलर स्केट्स पहन के एक वॉल को पुश करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो वॉल है वो भी एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करके आपको पीछे की तरफ धकेलती है, और आपने जब कि रोलर स्केट्स पहने तो उसकी वजह से आप बहुत जल्दी उस फोर्स की वजह से वॉल से दूर हो जाओगे। लाइक ये वॉल है, अगर मैं इसे पुश कर रही हूँ, मैं देखूंगी कि मैं ऐसे पुश कर रही थी और फिर जब मैं उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी मैं पीछे हो जाऊंगी। अब एक्चुअल में ये होता कैसे है कि जो वॉल है वो तो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती ना, राइट, वॉल कैन नॉट अप्लाई फोर्स, लेकिन फिर भी आखिर वॉल से कौन सा फोर्स जनरेट हुआ जिसने वॉल को तो मूव नहीं किया, मेरा जो फोर्स लगा वो भी वेस्ट गया, लेकिन वॉल के उस फोर्स की वजह से मैं मूव कर गई बैकवर्ड्स। दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि आपने इसे देखा है, अगर मैं इस पेन को या फिर एक फुटबॉल है मेरे पास, अगर मैं उसे ड्रिबल करती हूँ तो वो ग्राउंड को टच करके ऊपर वापस आती है ना, सो मैंने उसे फेंका था ताकि वो ग्राउंड को टच करे, दैट वॉज द एक्शन। लेकिन रिएक्शन क्या हुआ, वो बॉल ग्राउंड को टच करके वापस बाउंस बैक होके आई, दैट इज द रिएक्शन। तो इस केस में एक्शन क्या हुआ, मैंने बॉल को पुश किया, और रिएक्शन क्या हुआ, बॉल ने उसका जवाब दिया बाय पुशिंग मी। सो दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी उसके ऑपोजिटली भी फोर्स अप्लाई करती है उस पर्सन पे या उस बॉडी पे जिसने स्टार्टिंग में फोर्स अप्लाई किया था, दैट इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ
मोशन जो हमने इस एक्सपेरिमेंट से समझा या फिर एक्टिविटी से, जब हमने वॉल को पुश करने के लिए फोर्स किया तो वॉल ने फोर्स अप्लाई किया और वॉल तो मूव नहीं हुई लेकिन हम ही पीछे बैकवर्ड मूव कर गए। तो अभी तो हमने समझा नॉर्मल लैंग्वेज में कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वो जो बॉडी का ऑब्जेक्ट है वो भी उसी उतने ही अमाउंट का फोर्स रिप्लाई बैक में या फिर रिएक्ट करके वापस देगी। सो पढ़ते हैं बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म में आखिरकार थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो जो दूसरी बॉडी है वो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स फर्स्ट बॉडी पे वापस अप्लाई करती है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट ईच एक्शन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि हम जो भी काम करेंगे उसके ऑपोजिटली उसका रिएक्शन भी इक्विवेलेंट होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट रिएक्शन। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि आखिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितना फोर्स मैं अप्लाई करूँगी सामने जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो भी सेम उतना ही फोर्स वापस अप्लाई एग्जर्ट करेगी। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेनेवर वन बॉडी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है या एग्जर्ट करती है, द सेकेंड बॉडी एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो जो दूसरी बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल व्हिच वी हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो, जब हम बैलेंस्ड फोर्सेज और अनबैलेंस्ड फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ग्राउंड बनाया था एंड वी केप्ट अ हैवी बॉक्स हियर, राइट। यहाँ से हमने पुश किया था, यहाँ पे हमारा ग्रेविटी थी, हियर वॉज फ्रिक्शन एंड हियर वॉज फोर्स ऑफ रिएक्शन, राइट। अब बेसिकली हमने देखा था कि अगर वो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है हमारे फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरी साइड से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ दूसरी साइड से वो बॉडी भी उतना ही ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है ताकि उसकी जो स्टेट है वो चेंज ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ से पुश किया तो दूसरी साइड से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया उस पुश को रेजिस्ट करने के लिए। एंड द सेकेंड वन, जैसे कि इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उस बॉक्स को अर्थ की तरफ खींचेगा। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो उस बॉक्स को अर्थ से दूर एयर में खींचेगा। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेज हैं जब ये इक्वलाइज हो जाते हैं तो उसकी वजह से कोई बैलेंस्ड फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता एंड द बॉक्स रिमेन्स द सेम। यानी कि जब जैसे ग्रेविटी का फोर्स था, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके ऑपोजिट कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स ऑफ रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पे अगर हमने पुश किया, हमने फोर्स अप्लाई किया तो दूसरी साइड से कौन सा फोर्स आ गया, टू अपोज दैट फोर्स विच वी आर अप्लाइंग, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यानी कि जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी उसी स्पीड से उसी रेट पे अपना फोर्स भी हमारे ऊपर अप्लाई करती है। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि डे टू डे लाइफ में ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इन सिंपल वर्ड्स, आखिर ये कैसे कैसे यूज होती है। अभी हमने पढ़ा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट करती है। नाउ लेट्स सी सम एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है वॉक। बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स जैसे वॉक करते हैं दैट ऑल्सो इज पॉसिबल ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप कभी भी जब चलने का ट्राई करोगे, आप जब चल रहे होगे आप नोटिस करना कि जब आप
चल रहे होते हो तब आप अपने फुट को बैकवर्ड लेते हो और एक फुट को फॉरवर्ड लेते हो। बेसिकली ऐसे क्यों होता है, जब आप एक फुट को बैकवर्ड लेते हो तो यानी कि आप जो फोर्स है वो पीछे की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। लाइक सपोज ये आपके फुट से फीट थे आपके, आपने एक फुट को बैकवर्ड लिया तो यानी कि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। अब आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो हमने थर्ड लॉ में पढ़ा कि ऑपोजिट रिएक्शन आता है, राइट। अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो जो बॉडी है दैट इज एयर या फिर जो ग्राउंड है वो हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया दैट इज दिस, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी दैट इज दिस। तो जिसकी वजह से जब हम एक फुट बैकवर्ड लेते हैं तो ऑपोजिट रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हम एक फुट फॉरवर्ड लेते हैं। सो हम वॉक कैसे कर पाते हैं, जब हम एक फुट बैकवर्ड लेते हैं तो हम फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है कि हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो जो बॉडी एयर या ग्राउंड है वो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी दैट इज दिस डायरेक्शन, और हम आगे फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। अब हमारे पास एक और केस आता है, बेसिकली जो आइस फ्लोर्स होते हैं उस पर वॉक करना मुश्किल क्यों होता है। एक्चुअल में जो आइस फ्लोर्स होते हैं या जो स्लिपरी होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, यानी कि जब आप एक फुट बैकवर्ड लोगे तो यानी कि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, लेकिन उसका जो ऑपोजिट फोर्स होगा, जो रिएक्ट करने वाला फोर्स होना चाहिए दैट इज फ्रिक्शन, वो आइसी या फिर स्लिपरी सर्फेसिस पे कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट फोर्स है वो कम अप्लाई होता है और उसकी वजह से हम आइस सर्फेसिस पे या फिर स्लिपरी सर्फेसिस पे आराम से इजीली वॉक नहीं कर सकते। तो हम वॉक कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जब हम एक फुट बैकवर्ड लेते हैं तो हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या आएगा, इस फोर्स में फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और हमारा फुट फॉरवर्ड हम ले पाएंगे और इस तरह से हम आगे मूव कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज स्विमिंग। बेसिकली जब आप स्विमिंग करते हो तो आप देख सकते हो आप अपने हैंड्स को कैसे मूव करते हो ऐसे, यानी कि जो वाटर है आप उसे पीछे की साइड धकेल रहे हो ना, आप उसे अपने सामने से हटा के पीछे लेके जा रहे हो, तो यानी कि जो फोर्स है लाइक आप ऐसे जा रहे हो, आपने ऐसे करके स्विम करते हो, आप अपने हैंड्स को ऐसे कर रहे हो तो जो पानी है आप उसे पीछे की तरफ धकेल रहे हो, तो आपने पानी को इस डायरेक्शन में किया तो जो पानी है दैट इज वाटर वो ऑपोजिट रिएक्शन करेगा, तो यानी कि आपने उसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो वाटर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप जो वो स्विम कर पाते हो, यानी कि वाटर को जब हम पीछे की तरफ धकेलेंगे तो जो वाटर है वो हमें फोर्स लगा के आगे की तरफ धकेलेगा और हम स्विम कर पाएंगे। तो अभी हमने देखी टू एप्लीकेशन ऑफ सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट थी कि हम वॉक कैसे करते हैं, जब हम एक फुट बैकवर्ड लेते हैं तो जो पीछे से फ्रिक्शन होता है या जो ग्राउंड का फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है रिएक्शन के तौर पे, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। स्विमिंग में भी ऐसे होता है, हम वाटर को पीछे धकेलते हैं और जो वाटर है वो रिएक्ट करके हमें आगे की तरफ धकेलते हैं। नाउ लेट्स सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड इज गन रिकॉयल्स। बेसिकली जो गन होती है जिसमें बुलेट होती है, अगर आपने कभी देखा हो लाइक इवन इन अ मूवी आप देखोगे कि जो गन्स होती हैं जब आप उनसे शूट करते हो तो जो बुलेट है वो आगे निकल जाती है, और आप ये देखना कि जो वो शूटर होता है जिसके हाथ में गन होती है जैसे ही वो बुलेट को शूट करता है और बुलेट गन से निकलती है तो जो गन है वो पीछे की साइड हो जाती है, यानी कि अगर मैंने ऐसे बुलेट को पकड़ रखा है, ऐसे गन को पकड़ रखा और बुलेट निकलेगी तो जो गन है वो पीछे की तरफ आ जाएगी दैट विल मूव बैकवर्ड। अब बेसिकली ऐसा क्यों होता है, गन के अंदर बुलेट होती है, बुलेट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में गई जब हमने प्रेस किया, तो जो गन बुलेट थी गन से निकल के वो इस डायरेक्शन में गई, तो यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में। नाउ अब जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो बेसिकली जो वो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि आगे तो जा चुका है हमारा फोर्स, अब ऑपोजिट फोर्स जो है वो पीछे की तरफ आएगा जिसकी वजह से जो हमारी गन है वो जर्क बैक कर जाएगी, वो पीछे आ जाएगी, और जब हमारी गन बुलेट को शूट करने के बाद पीछे आती है दैट इज कॉल्ड रिकॉइल, राइट। यानी कि जब हम बुलेट शूट करते हैं तो जो गन पीछे आती है उसे हम क्या बोलते हैं,
रिकॉइल, तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि बुलेट आगे गई है तो फोर्स पीछे की तरफ भी आएगा, रिएक्शन जिसकी वजह से गन जो है वो रिकॉइल कर जाएगी। नाउ द फोर्थ इज फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। बेसिकली जो बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं या जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस लॉ, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली सपोज दिस इज द जेट प्लेन, राइट, ये हमारा जेट एरोप्लेन है और यहाँ से क्या निकलती है गैस, यानी कि जब जेट एरोप्लेन फायर करता है तो उसमें से पीछे से गैसेस रिलीज होती है, राइट, गैसेस इन द एयर। तो यानी कि जब जेट एरोप्लेन या रॉकेट फ्लाई कर रहा है तो उसमें से लाइक ये एरोप्लेन है इसमें से पीछे की साइड से गैस निकलेगी, यानी कि जब गैसेस निकली एयर में तो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, इस डायरेक्शन में, राइट। गैसेस जब एयर में रिलीज हुई, जब हमने जेट एरोप्लेन को या रॉकेट को स्टार्ट करा फ्लाई करना, तो जो गैसेस है वो इस डायरेक्शन में आई, यानी कि जो सराउंडिंग्स में एयर थी उसमें गैसेस ने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में। तो जो एयर है वो शांत तो बैठेगी नहीं, वो भी फोर्स अप्लाई करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो हमारा प्लेन है वो आगे की तरफ मूव करेगा और वो फ्लाई कर पाएगा। तो जब गैसेस पीछे की तरफ आती है उसकी वजह से जो एयर है वो रिएक्ट करके आगे की तरफ जाती है और जो एरोप्लेन्स हैं या रॉकेट्स हैं वो फ्लाई कर पाते हैं। नाउ द फिफ्थ इज केस ऑफ बोट। बेसिकली जो बोट्स होती हैं आपने उसमें देखा होगा कि जो उसे रो करने वाला जो चप्पू टाइप होता है, लाइक ये सपोज बोट है, अगर हमें आगे की डायरेक्शन में जाना है तो हम उस चप्पू को पीछे की डायरेक्शन में चलाते हैं। बेसिकली अब हम उसे पीछे की डायरेक्शन में क्यों चला रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्विमिंग। हम बोट में जो वो रोइंग टूल होता है उसको पीछे की डायरेक्शन में चलाते हैं, जिसका मतलब कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वाटर में इस डायरेक्शन में, दैट इज हम वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं। तो जो वाटर है वो भी चुप तो बैठेगा नहीं, वो भी फोर्स अप्लाई करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी वजह से जो हमारी बोट है वो आगे की साइड मूव करेगी। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आप पे अप्लाई करेगी। और फिर हमने पढ़े सम एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट हमने पढ़ा वॉक कैसे करते हैं, हम एक स्टेप बैकवर्ड लेते हैं तो रिएक्शन में हम एक स्टेप अपवर्ड आगे लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्विमिंग में, जब हम वाटर को पीछे की साइड धकेलते हैं तो वाटर हमें आगे की साइड पुश करता है। गन के केस में हमने पढ़ा बुलेट आगे की साइड निकलती है तो जो गन है वो पीछे की साइड जर्क बैक कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स का, जब गैसेस ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इन द एयर, जब वो रिलीज होती हैं तो जो एयर है वो रिएक्ट करके जेट प्लेन या फिर रॉकेट्स को आगे की तरफ पुश करती है। एंड द फिफ्थ इज बोट। हम जब रोइंग टूल से पानी को पीछे की साइड पुश करते हैं तो पानी हमें आगे की साइड पुश करता है। सो दिस वॉज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to grow for more related videos. Thank you.